हेलो नमस्कार दोस्तों, जे टेक्निकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपने लैपटॉप और कंप्यूटर के कीबोर्ड के शॉर्टकट के बारे में तो बहुत सुन रखा होगा, आपको पता भी होगा इनके शॉर्टकट के बारे में। लेकिन क्या दोस्तों आपको मोबाइल के कीबोर्ड के शॉर्टकट के बारे में पता है? मैं आपको ऐसे शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में 99% लोगों को पता नहीं होगा। दोस्तों इन शॉर्टकट की मदद से आप मोबाइल में टाइपिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इन शॉर्टकट को जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मैंने अपने मोबाइल में कीबोर्ड ओपन कर लिया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, हमने कीबोर्ड की सेटिंग में जाना है। अगर हमने कीबोर्ड सेटिंग में नॉर्मल जाते हैं तो हमें पहले अपने मोबाइल में सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद वहां से हम कीबोर्ड की सेटिंग देख सकते हैं। तो आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं होगी, आप यहीं से अपनी कीबोर्ड की सेटिंग वहां पे जा सकते हैं डायरेक्टली। किस तरह से, जो आपको सबसे नीचे दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा इमोजी और कोमा का निशान, यहाँ पे आपको टैप रखना है और उसके बाद ये तीसरे नंबर पे सेटिंग दिख रहा है, इस पे ऐसे ड्रैग कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको दो ऑप्शन आएंगे, लैंग्वेज और कीबोर्ड सेटिंग, ठीक है। तो सेटिंग पे क्लिक करना है, आप यहाँ से कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरे नंबर पे जैसे आपको एक ग्रीन, जो मेरे कीबोर्ड की थीम है ग्रीन दिख रही है, यहाँ पे अपना फोटो लगाना चाहते हैं, कोई और कलर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टैप करके रखना है आपने और सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको थीम दिख रहा होगा, थीम पे क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो थीम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं जैसे, तो इस तरह से आपका कीबोर्ड वो शो होगा, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। हमारा कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया। कोई भी सेंटेंस हम टाइप करते हैं इस तरह से। अब स्पेसिफिक जगह जाने के लिए दोस्तों, हम आगे पीछे जाने के लिए जैसे कंप्यूटर में तो होता है फॉरवर्ड एरो बैकवर्ड एरो होता है ना, हम आगे पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो आपको नहीं मिलेंगे। तो आप कैसे जा सकते हैं, या तो आप इस तरह से टाइप करके जा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सही जगह टाइप नहीं हो पाता है, सही जगह ही नहीं आ पाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह जो आपको स्पेस बार दिख रहा होगा, ये स्पेस बार दोस्तों टच की तरह काम करेगा। जैसे आप राइट की तरह इस तरह स्वाइप करोगे तो ये आगे जाता जाएगा, ठीक है, जो ये स्पेस बार है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो ऊपर जो स्पेस बार है वो भी मूव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका यूज कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत बार क्या होता है, कोई भी अक्षर हम टाइप करते हैं तो हमें सुजेशन मिलते हैं। जैसे मैं COM लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कमेंट्स और कंपेयर का ऑप्शन मिल रहा है। ऐसे बहुत से सुजेशन होते हैं जो आपको नहीं चाहिए होते हैं, बार बार आपको इरिटेट कर, जैसे कमेंट्स आ रहा, मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स ना आए यहाँ पे। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस कमेंट्स पे टाइप करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिसाइकल बिन दिख रहा होगा, डस्टबिन, इसको ड्रैग कर देना इसके ऊपर, तो इस तरह से डिलीट हो जाएगा। अब जब भी आप COM लिखेंगे ये सुजेशन आपको नहीं आएगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पे कम का ऑप्शन, वो सुजेशन आ गया, पहले कमेंट का आ रहा था। तो इस तरह से आप इसको डिलीट कर सकते। तो दोस्तों कभी कभार हमें स्पेशल करेक्टर यूज़ करने पड़ते हैं अपने टाइपिंग में, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ से हम ले सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा होगा, डॉट पे प्रेस करके रखना है। आपको यहाँ से बहुत सारे आपको स्पेशल करेक्टर मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट करके आपको करना क्या है, डॉट पे टाइप करके रखना है, आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके कोई भी करेक्टर ले सकते हैं। अब दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि हम इस तरह से टाइप करते रहते हैं ना, अब हमें चाहिए कोई कैपिटल लेटर में। जैसे हम कंप्यूटर में क्या करते थे, शिफ्ट प्लस कोई भी करेक्टर हमें कैपिटल में चाहिए था उसे प्रेस कर देते थे। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा दोस्तों, ये जो आपको अप एरो दिख रहा होगा तो इसको टाइप करना है, उसके बाद कोई भी अक्षर जो आपने टाइप करना उसके पास ले जाइए, ठीक है, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैपिटल लेटर में डी आ गया, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी अक्षर टाइप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि जो आपने जितनी भी टाइपिंग की है स्मॉल में की है, आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा सेंटेंस आपका या पूरा का पूरा शब्द आपका कैपिटल में हो जाए, या तो आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा उसको कैपिटल में बनाने के लिए, इस तरह से यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद इस तरह से आपको कैपिटल में करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से सिलेक्ट करना है जो भी आपको कैपिटल में करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अप एरो दिख रहा होगा, इसको प्रेस करना है, इस तरह से आपको दिख जाएगा। एक बार फिर से प्रेस करें इसे, ये तो कैपिटल में हो जाएगा, आप देख सकते हैं कैपिटल में हो गया। अब इसको स्मॉल में करना चाहते हैं फिर से, या कोई आपने गलती से कैपिटल में टाइप कर दिया है तो आप स्मॉल में करना चाहते हैं, तो इसको एक बार प्रेस करें, इस तरह से स्मॉल में हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास टैबलेट है या आजकल बहुत बड़े मोबाइल आ रहे हैं, तो हमें दोनों हाथों से टाइपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप एक वन हैंड टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप किस तरह से उसमें कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जो एंटर की होती है या जो इमोजी दिख रही है, यहाँ पे इमोजी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एंटर की भी हो सकती है, उसे प्रेस करके रखना है। उसे प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा, ये डिस्प्ले की तरह आ रहा है, यहाँ पे ये दो
जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे ले आना है आपको और छोड़ देना है। तो इस तरह के आपको एक कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट राइट का मिल जाएगा कौन से हाथ से आप टाइपिंग करना चाहते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर है ये यहाँ पे फुल स्क्रीन हो जाएगी, और नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से आप इसको कीबोर्ड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरह से मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने टैप किया तो यहाँ से मैं रिसाइज कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से रिसाइज कर सकता हूँ। अब मैं इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ कीबोर्ड को, तो इस तरह से आप इसको अपने सुविधा अनुसार रिसेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से कोई भी चीज़ आप एक वन हैंड टाइप कर सकते हैं। अगर आपको फुल स्क्रीन में लगा, अगर दोस्तों आपको ये फुल स्क्रीन में लाना है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है, फुल स्क्रीन में आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्टकट अच्छे लगे होंगे और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक AJ टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।